जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं राजेश शर्मा, आरजे भाई इंटीरियर में फिर से एक बार आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में, ये सीएनसी कटिंग आप लोग देख सकते हैं, इसको हम कैसे बनाए हैं दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, पूरा फुल डिटेल्स देने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो में कि इसको हम कैसे बनाए हैं, इसके अंदर जो लाइटिंग है उसको कैसे लगाए हैं दोस्तों। तो आप लोग वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना दोस्तों, नहीं तो थोड़ा सा भी समझ में नहीं आएगा दोस्तों इसको कि हम इसको कैसे बनाए हैं। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों डिजाइन, ये हम पूजा रूम के सामने इसको इस डिजाइन को बनाए हैं। देख सकते हैं ये जो पूजा रूम का गेट है, दोनों तरफ ये डिजाइन बनाए हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसको देख लेते हैं दोस्तों इसको हम कैसे बनाए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं ये हम सीएनसी कटिंग करवा लिए हैं, ये जो हम देख सकते हैं ये एमडीएफ सीट 12 mm का एमडीएफ वाटर प्रूफ एमडीएफ सीट है। इसमें हम पहले सीएनसी से डिजाइन कटिंग करवा लिए हैं, उसके बाद इस पर हम जो फ्रंट साइड है उस पर हम डीको पेंट करवा लिए हैं दोस्तों। ये आप लोग देख सकते हैं ये डीको पेंट है। और इसके लिए हम बैक में दोस्तों 3 mm का वाइट एक्रेलिक सीट यूज करने वाले हैं। तो ये हमारा बैक साइड है, तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं एक्रेलिक सीट दोस्तों। और ये देख सकते हैं आप लोग ये 3 mm का 3 mm का वाइट वाइट एक्रेलिक सीट है। तो चलिए इस पे पेपर लगा हुआ है उसको निकाल लेंगे, उसके बाद इसको पेस्ट कर लेते हैं, फिर आगे का प्रोसेस दिखाते हैं आप लोगों को दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं ये, चलिए पेपर निकाल लेते हैं तब तक। और दोस्तों आइए इसके लिए जो हम बॉक्स बनाए हैं, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इसके लिए हम ये बॉक्सिंग बना रहे हैं। देख सकते हैं इसके लिए पाइलिंग करके दीवार पे ये, और ये 3 इंची इसका जो डीप है दोस्तों ये 3 इंची है देख सकते हैं। और ये हम 1 इंची ये सामने से 1 इंची छोड़ के, और एक 19 mm का प्लाईवुड चारों तरफ घुमा लिए देख सकते हैं, जिस पर हमारा जो सीट है इस पर हम स्क्रू से इसको फिट कर लेंगे। इसके लिए हम प्लाईवुड लगा लिए हैं चारों तरफ देख सकते हैं आप लोग। और दोस्तों इसमें देख सकते हैं हम लाइट लगाए हैं, इसमें स्ट्रिप लाइट देख सकते हैं आप लोग। और नीचे इसका चौक है, लाइट का चौक है। तो चलिए सीट को पेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं दोस्तों फिट करके। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इसको पेस्ट करने के लिए ये हम फेविक्विक यूज कर रहे हैं दोस्तों। एक रेग सीट है दोस्तों, हम ये जो हमारा सीट है एमडीएफ सीट उसके हिसाब से हम कटिंग कर लिए हैं। और देख सकते हैं आप लोग फेविक्विक से ये फेविक्विक से ये चिपक जाता है। तो चलिए इसको पेस्ट कर लेते हैं अच्छे से, उसके बाद फिट करके दिखाते हैं आप लोग को। और दोस्तों आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये पेस्ट हो गया, ये सीट को हम प्रेस कर लिए, उसके बाद चलिए बॉक्स में फिट करके दिखाते हैं आप लोग को। देख सकते हैं दोस्तों,
चलिए इसको, उसके बाद इसको फिट कर लेते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को कैसे फिट करते हैं इसको। तो दोस्तों चलिए इसके बाद इसको फिट कर लेते हैं। दोस्तों ये जो हम साइज़ बनाए हैं देख सकते हैं आप लोग, ये हम 18 इंच में बनाए हैं, और ये दो दो इंच दोनों तरफ बॉर्डर दिए हुए हैं देख सकते हैं आप लोग, चारों साइड बॉर्डर दिए हैं। और इसमें हम एमडीओ को पहले ही मिला लिए थे कटिंग करके, उसके बाद इसमें सीएनसी कटिंग करवा, चलिए उसको फिट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें होल कर लेते हैं, होल करके स्क्रू कस लेंगे। चलिए दोस्तों, दोस्तों इसमें टोटल हम 6 स्क्रू लगाएंगे, दो नीचे और दो बीच में देख सकते हैं आप लोग, और दो ऊपर, एंड टोटल 6 स्क्रू से इसको फिट करने वाले हैं दोस्तों। और फिट करने के लिए आप लोग देख सकते हैं ये 1/2 इंच का मिरर कैप है दोस्तों, ये ऊपर से फिट कर लेंगे ताकि गंदा ना दिखे, स्क्रू का हेड ना ही दिखेगा, ये देखने में अच्छा दिखेगा। चलिए इसको स्क्रू कस लेते हैं, इसके बाद फिट करके दिखाते हैं आप लोगों को। तो ये स्क्रू कस लिए दोस्तों, उसके बाद चलिए इसमें जो कैप है उसको लगा लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये फिट कर लिए, देख सकते हैं आप लोग पूरा फिट कर लिए दोस्तों। देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग पूरा व्यू इसका देख सकते हैं आप लोग, कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों। ये पूजा रूम के दोनों तरफ ये हम डिजाइन बनाए हैं, आप लोग देख सकते हैं दोनों तरफ 1.5 फीट इसका चौड़ाई दोस्तों, 1.5 फीट है दोनों तरफ का, और हाइट इसका 6 फीट है। तो आप लोग पूरा व्यू देख सकते हैं दोस्तों, कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों, और इसके अंदर भी डिजाइन आप लोग देख सकते हैं अंदर भी। डिजाइन किए हुए हैं दोस्तों, ये पूजा रूम के अंदर का डिजाइन है आप लोग देख सकते हैं, उसमें भी लाइटिंग लगा है फोटो के पीछे, तो देख सकते हैं। तो फुल व्यू आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, तो दोस्तों ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को, और आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए डिजाइन के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।